एकदम से आदमी को चेस्ट पेन होता है। कहते हैं कि बहुत जल्दी वैक्सीन को बिना कोई साइड इफेक्ट को पहचाने, किसी रेगुलेटरी चेकअप के बिना जो है मार्केट में उतारा गया। 51 ऐसे केसेस जो है हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें कि ब्रेन क्लॉट्स हुए हैं, ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। जस्ट कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद ही ब्रेन स्ट्रोक हुआ। और नमस्कार, मैं हूं उदय कुशवाहा और आप देख रहे हैं कालखंड। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेक ने कोर्ट में वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात को कबूल लिया है, जिससे कोरोना काल में वैक्सीन लेने वाले करोड़ों लोगों को अब डर सताने लगा है। आज हम जानेंगे कि इस वैक्सीन से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। इन्हीं सब बातों के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कालखंड धन्यवाद। में। जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है एस्ट्राजेनेक, उस पर तमाम आरोप लग रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री में जाएं कि ये वैक्सीन कैसे मार्केट में आई और कहाँ से ये बन के आई। तो यूके की फार्मास्यूटिकल कंपनी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक मिलान हुआ था, एक दूसरे से बातचीत हुई थी इस वैक्सीन को बनाने के लिए। फिर इसी वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका नामक कंपनी ने भारतीय मार्केट में उतारा था। उस समय इसके साइड इफेक्ट हम लोगों को बिल्कुल इसलिए मालूम नहीं चले बिकॉज कि कोविड इतनी जल्दी फैला और लोगों को वैक्सीन की इतनी बहुत जल्दी जरूरत थी। उन्हें लगता था कि इसी से बचा जा सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी उठते हैं कि बहुत जल्दी वैक्सीन को बिना कोई साइड इफेक्ट को पहचाने, किसी रेगुलेटरी चेकअप के बिना जो है मार्केट में उतारा गया। ऐसे प्रश्न उठते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को इसके साइड इफेक्ट के बारे में उतना ज्ञान नहीं हो पाया। लेकिन एज पर द लीगल अथॉरिटीज ऑफ इंटरनेशनल स्टेट्स कि अभी तक 51 ऐसे केसेस जो है हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें कि ब्रेन क्लॉट्स हुए हैं। सबसे पहला जो केस हुआ था दैट इज इन 2021, एक जैक नामक जो आदमी था उसको जस्ट कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद ही ब्रेन स्ट्रोक हुआ और एक मेंटली पैरालाइज्ड टाइप का हो गया था वो। तो दिस वाज द फर्स्ट केस आफ्टर द कोविशील्ड वैक्सीन। आपको क्या लगता है, क्या क्या ऐसे इसके लक्षण हैं जिसे मरीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? जो मेन सिम्टम्स होते हैं, जैसा कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने अपना कबूला भी है कि इससे जो है ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, तो ब्लड क्लॉट्स जो है दो माध्यम से ही हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट वन की या तो वो ब्लड क्लॉट हमारे हार्ट की वेसल्स में जाए, मतलब कि दिल की नसों में जाके उसको जाम कर दे, और दूसरा कि हमारी जो सर की नसें हैं उनको जाके वहाँ पे क्लॉट जो है वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है, जो रक्त का परिवहन है, उसको बिल्कुल बंद कर दे। जो अगर दिल की नसों में जाके ब्लॉक करता है उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, और अगर ब्रेन की नसों में को जाके ब्लॉक करता है तो उसे अपन ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं करके। तो इसमें मेन सिम्टम्स होते हैं कि एकदम से आदमी को चेस्ट पेन होता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत तेज सरदर्द होता है। तो मैं अपनी तरफ से यही सलाह दूंगा, अगर ऐसा कोई भी अक्यूट मतलब कि एकदम से आपको सिम्टम आते हैं तो कृपया करके किसी भी फिजिशियन या किसी भी चेस्ट फिजिशियन से जाके आप सलाह लें और उसकी प्रॉपर जांच करवाएं। क्योंकि इसका अगर एक समय के अंदर हमें इन चीजों का डायग्नोसिस मालूम चल जाती है तो इसका इलाज संभव है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी, जिन्होंने वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट को लेकर हमें जानकारी दी। एकदम से आदमी को चेस्ट पेन होता है, कहते हैं कि बहुत जल्दी वैक्सीन को बिना कोई साइड इफेक्ट को पहचाने, किसी रेगुलेटरी चेकअप के बिना जो है मार्केट में उतारा गया। 51 ऐसे केसेस जो है हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें कि ब्रेन क्लॉट्स हुए हैं, ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। जस्ट कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद ही ब्रेन स्ट्रोक हुआ। और जिस कंपनी ने ये जो कबूलनामा किया है कि जो भारत देश के करोड़ों करोड़ों लोग
140 करोड़ जनता में से कम 100 करोड़ को तो इंजेक्शन लगा ही है और मोदी जी ने ज़बरदस्ती लगवाया है, नहीं तो शादियों में नहीं जा पाओगे, आपको स्कूल में नहीं दाखिला मिलेगा, आपको ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, आपको हवाई जहाज़ में नहीं चढ़ने दिया जाएगा। जिस प्रकार से उस कंपनी से चंदा लेकर के जल्दबाजी में उस डोज को लगवाया गया, इतने करोड़ों करोड़ लोगों की जान को जोखिम में डालने का जो काम मोदी जी ने किया है, उस समय जो कह रहे थे, मैं चाटुकार उस मीडिया चैनलों से कहना चाहूँगा, उन विशेषज्ञों से कहना चाहूँगा जो उस समय वैक्सीन के फ़ायदे गिना रहे थे, आज विदेश में बैठ कर के अमेर भारत में कौन कबूल कर रहा है कि इस दवाई से लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। वो तो शुक्र है कि वो अमेरिका के लोग हैं, उन्होंने सच को कबूल किया है। और यदि मैं भारत की बात करूं तो रेमडेसिविर से लेके जैडूज लाइफ की कंपनियां हैं भारत में, जो दवा कंपनियां हैं, ऐसी 50 कंपनियां हैं जो तय मानकों के अनुसार उनकी कंपनियों के टेस्ट फेल हुए हैं और उन पर घोर आपत्ति दर्ज की है, लेकिन इस देश में उन कंपनियों से चंदा लेके उनको दवाई धड़ल्ले से बेचने का कोई रोक टोक नहीं है और उनकी दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही हैं। आज भी इतने लाख करोड़ लोगों की जान जोखिम में डालने के बाद मोदी जी विश्वगुरु होने का उस समय दावा कर रहे थे और छाती ठोक के कह रहे थे। आज मोदी जी को छाती ठोक के इतनी हिम्मत है, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि वो आज इस देश की जनता से माफ़ी मांग सकते हैं नेशनल मीडिया चैनलों पे आकर के, और जो उनके चाटुकार मीडिया के पत्तलकार थे जो उनके फायदे गिना रहे थे, आज इसका नुकसान गिनाने की जरूरत या हिम्मत करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों को नाली में डूबकर मर जाना चाहिए जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जान से खिलवाड़ करने का काम किया है। भैया लाखों लोग जो है हार्ट अटैक की मौत से मर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, आज का अगर आप लोगों ने अखबार पढ़ा हो उसमें साफ दिया है कि एक बाबा जी हैं हमारे रामदेव जी पतंजलि के, उन्होंने कोरोना नील के नाम से दवाइयां बनाई थी और भारत का स्वास्थ्य मंत्री उसका विज्ञापन दे रहा था। आज अखबार में दिया है कि हाई कोर्ट ने उन दवाइयों पे बैन लगा दिया होगा, उसका प्रोडक्शन बंद करा दिया। 13 दवाइयां पतंजलि की हैं जिनके ऊपर बैन लगाया गया है, आज ही के अखबार में पूरी लिस्ट आई हुई है। तो ये भी इसने एक खेल करा था रामदेव ने भी, जिस तरीके से लोगों को फर्जी चूरन चटनी थमाई थी, इसका भी जांच होनी चाहिए कि कितने लोग इसकी दवाइयों से भी मरे हैं और इसका खामियाजा पतंजलि को भुगतना चाहिए। तो ये थी जनता जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर अपनी अपनी राय रखी। ऐसे ही तमाम मुद्दों और खबरों के लिए देखते रहिए कालखंड।